चलिए तो हम लोग भारत और विश्व का भूगोल से संबंधित क्वेश्चन देख रहे हैं और उनके आंसर। ऑस्ट्रेलिया किस भाग में सवाना जलवायु पाई जाती है? तो है क्वींसलैंड में, उत्तरी भाग में। पाकिस्तान का रचना दोआब किन दो नदियों के बीच स्थित है? चेनाब और रावी के बीच। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है गोंड। अगला, भारत में पश्मीना ऊन किससे प्राप्त होती है? बकरी से। अगला है, हरित गृह प्रभाव के प्रमुख स्रोत के रूप में कौन गैस सबसे प्रमुख मानी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है, अल्फाफा क्या है? एक प्रकार की घास है। अगला है, कोरबा किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में। क्रिकेट के खेल के लिए चर्चित सार जाए किस देश में है? संयुक्त अरब अमीरात, यूएई में। अगला है, सारायेवो किस देश की राजधानी है? बोस्निया व हर्जेगोविना। अगला है, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के लिए चर्चित दावोस किस देश में है? स्विट्जरलैंड में। अगला है, क्यूरोसियो कैसे जल की धारा है? गर्म जलधारा। अगला है, एलिफेंटा दर्रा किस देश में है? श्रीलंका में। अगला है, फिलीपींस का कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? तो माउंट पिनोटोवो। अगला है, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? फेरिज। अगला है, हिमालय पर्वत किस मुख्य प्रकार का है? वलित पर्वत का। अगला है, भारत कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में। अगला है, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। अगला है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? कावेरी नदी पर। अगला है, भारत में 80% कोयला किन खदानों से प्राप्त होता है? झरिया और रानीगंज की खानों से। अगला है, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर में होकर जाती है? तो ये प्रशांत महासागर में से होकर। अगला है, विश्व का कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? भारत। अगला है, कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मंडला जिले में। अगला है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है? अमरकंठक। अगला है, तिरुपति किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगला है, रेल का सबसे बड़ा नेटवर्क विश्व के किस देश में स्थित है? अमेरिका, यूएसए में। अगला है, भारत का सबसे लंबा समुद्री सेतु कौन सा है? बांद्रा वैली सी लिंक, मुंबई। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बेहद निकोबार द्वीप में। अगला है, वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? राजस्थान। अगला है, जोजीला दर्रा किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अगला है, सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर। अगला है, कृष्णा नदी पर बना अलमाटी बांध किस राज्य में? कर्नाटक में। अगला है, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मंडला मध्य प्रदेश में। अगला है, तस्मानिया किस देश का भाग है? न्यूजीलैंड का। अगला है, सेंट हेलेना किस महासागर में स्थित है? दक्षिण अटलांटिक महासागर में। अगला है, कौन सी नियमित हवाएं गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा, चीखता साटा के उपनाम से जानी जाती हैं? पछुआ हवाएं। अगला है, यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बोल्गा नदी। अगला है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। अगला है, भारत कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है? मलाज खंड में। अगला है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है? NH7 वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला है, गीजा का ग्रेट स्फिंक्स किस देश में स्थित है? मिस्र में। अगला है, विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सबसे लंबी है? हडसन की खाड़ी। अगला है, हॉलैंड में समुद्र से मुक्त किए गए भूखंड को किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर। अगला है, हुन किस देश की नई राजधानी का नाम है? लीबिया। अगला है, भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर जलसंधि को। अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भागीरथी नदी पर। अगला है, मॉन्ट्रियल किस नदी के तट पर स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के तट पर। अगला है, भाखड़ा नागल बांध किस राज्य की संयुक्त परियोजना है? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। अगली, मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस।
अगला है, आइसोहेलाइन रेखाएं मानचित्र पर क्या प्रदर्शित करती हैं? महासागरों व सागरों की लवणता। अगला है, कौन सा देश तटित गर्जन कहलाता है? भूटान। अगला है, स्लेट किस प्रकार की चट्टान होती है? रूपांतरित। अगला है, औद्योगिक क्षेत्र नैन्सी किस देश में है? फ्रांस में। अगला है, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। अगला है, पृथ्वी सूर्य के परिता अपने कक्षा में लगभग किस गति से चलती है, से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन की। अगला है, राजस्थान की गंग नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? सतलज नदी। अगला है, भारत में कोयला की सबसे अधिक भंडार कहाँ है? झारखंड और उड़ीसा में। अगला है, भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए गए? सर्वे ऑफ इंडिया के। अगला है, टर्की का कौन सा नगर पश्चिम का द्वार कहलाता है? इस्तांबुल। अगला है, फाकलैंड धारा प्रभावित होती है अर्जेंटीना के पूर्वी तट के सहारे। अगला है, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसीय प्रदूषण है? सल्फर डाइऑक्साइड। अगला है, वो स्पोरस जल संधि किन्हें जोड़ती है? काला सागर और मारमरा सागर को। अगला है, विश्व में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? सऊदी अरब। अगला है, एक वर्ष में ग्रहणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 7 तक। अगला है, वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार कैलेंडर को अंतिम रूप प्रदान करने का श्रेय किसको जाता है? पोप ग्रेगरी 13 को। अगला है, चिल्का झील किस प्रकार की झील है? तो याद रखिए, लैंगून झील है। अगला है, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से बनाया गया था? वेटेन के सहयोग से। अगला है, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला है, तूतीकोरन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। अगला है, अरावली पहाड़ियां में लूनी नदी का उद्गम स्थल किस शहर के सर्वाधिक समीप पड़ता है? अजमेर के। अगला है, कार्डोमम हिल कहाँ स्थित है? केरल में। अगला है, विश्व के सबसे छोटे देश का क्षेत्रफल मात्र 0.44 वर्ग किलोमीटर है, यह देश कहाँ स्थित है? यूरोप में। इसका नाम है वेटिकन सिटी। अगला है, फेयरवेल केप किस देश के दक्षिणम बिंदु है? न्यूजीलैंड का। अगला है, कालीकट कोचीन और वेरावल नगर किस लिए जाने जाते हैं? मत्स्य पालन के लिए। अगला है, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है? रेड क्लिफ लाइन। अगला है, भारत में काजू का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगला है, कृष्णा नदी पर कौन सा बांध बना है? नागार्जुन सागर बांध। अगला है, खमेर रूज किस देश से संबंधित है? कंबोडिया से। अगला है, उत्तरकाशी किस नदी के तट पर स्थित है? भागीरथी नदी के तट पर। अगला है, पार्वती परियोजना किस राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के रूप में विकसित की जा रही है? हिमाचल प्रदेश की। अगला है, भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बेहद निकोबार द्वीप में। अगला है, सेकांकु द्वीप के स्वामित्व पर किन दो देशों के बीच विवाद है? चीन और जापान के बीच। अगला है, यूट किस प्रकार का प्रजाति का घर है? खिरगीज का। अगला है, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? सेल्वास। अगला है, कौन सी देशांतर रेखा भारत के मानक समय से संबंधित है? 82.5 डिग्री ईस्ट। अगला है, कहाँ के आदिवासी पपुआ आन कहलाते हैं? तो प्रशांत महासागर में स्थित न्यू गिनी द्वीप। अगला है, सैंडविच द्वीप किसका पुराना नाम है? हवाई द्वीप का। अगला है, हुन किस देश की राजधानी का नाम है? लीबिया की राजधानी। अगला है, अफ्रीका में अस्वान बांध किस नदी पर स्थित है? नील नदी। अगला है, जेरूसलम स्थित है इजराइल में। अगला है, सोने की खाने के लिए प्रसिद्ध कैम्बरले दक्षिण अफ्रीका के किस देश में स्थित है? जेरे में। अगला है, भारत के विशाल बंदरगाहों में एक न्यावासवा किस सेवा राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। अगला है, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। अगला है, भारत में अंतरराष्ट्रीय महत्व का मुक्त व्यापार बंदरगाह कहाँ है? कांडला। अगला, हिमालय की चोटी नामचे वर्वे कहाँ स्थित है? असम में। भारत के टोपोग्राफिकल मानचित्र किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं?
सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। अगला है भारत का कॉपर प्लांट कहाँ स्थित है, मलाजखंड में। अगला है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में, हरियाणा में। अगला है नासिक किस नदी के तट पर स्थित है, गोदावरी नदी के तट पर। अगला है पनामा जलमरू के आर पार नहर खोदने का विचार किसने रखा था, हम्बोल्ट ने। अगला है विश्व का कहवा पतन किस बंदरगाह को कहते हैं, सेंटोस को। अगला है हेली पुच्छल तारे का सूर के इर्गिर्द परिभ्रमण पथ कैसा होता है, दीर्घ वृत्ताकार। अगला है फेराउज जल संयोजक किन दीपों को अलग करता है, होकेडो तथा साखालीन द्वीपों को।